हे एवरीवन, इट्स अदिति हियर एंड आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ओरियो बिस्किट केक की रेसिपी विदाउट ओवन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं तीन बड़े बिस्किट के पैकेट्स लूंगी। मैंने यहाँ पे ओरिजिनल फ्लेवर लिया है, आप चाहें तो कोई और भी फ्लेवर ले सकते हैं। टोटल मैंने यहाँ पे 36 बिस्किट्स ली है। अब मैं इन सभी बिस्किट्स को छोटे टुकड़ों में करके ग्राइंड करूंगी। बिस्किट्स को ग्राइंड करने के बाद अब मैं इसमें 1/2 कप शुगर ऐड करूंगी। ये स्टेप ऑप्शनल है, बट अगर आपके पास पिसी हुई शक्कर है तो आप इसे ज़रूर ऐड करें, इससे केक का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। टोटल हमें 1.5 कप दूध यूज़ होगा, पर सारा दूध एक साथ ऐड नहीं करें। सबसे पहले मैं यहाँ 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं 1/2 कप दूध ऐड करूँगी। अब मैं 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल ऐड करने से केक मॉइस्ट बनता है, बट ये टोटली ऑप्शनल स्टेप है। अब मैं बचा हुआ 1/2 कप मिल्क ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। ध्यान रखें कि जो दूध आप लें वो रूम टेम्परेचर पे हो। दूध ऐड करने के बाद अब मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी। केक बेक करने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई को 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे प्रीहीट करूंगी। केक बैटर बन जाने के बाद अब मैं केक टिन को ग्रीस करूंगी। केक टिन को ग्रीस करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ऑयल लिया है और ब्रश की हेल्प से मैं ऑयल को पूरे केक टिन में अच्छे से स्प्रेड करूंगी। मैं यहाँ पे बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप नॉर्मली ऑयल को स्प्रेड करके 1 टीस्पून मैदा डस्ट कर दें। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद केक बैटर को जल्दी से जल्दी बेक होने के लिए रख दें। केक बैटर को टिन में डालने के बाद इसे ऐसे 1 से 2 बार टैप कर लें, इससे जो एयर बबल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। कढ़ाई में केक टिन रखने से पहले केक टिन के नीचे ऐसे स्टैंड या किसी छोटी प्लेट का यूज़ करें। अब केक को 30-40 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे बेक होने के लिए रखें। इस वीडियो में मैं आपके साथ चॉकलेट गनाश बनाने की भी रेसिपी शेयर करूंगी। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1/2 कप चॉप्ड चॉकलेट्स। मैंने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट ली है, आपके पास जो भी चॉकलेट अवेलेबल है। अब मैं चॉकलेट में 2 टेबलस्पून मलाई ऐड करूंगी। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून बटर ऐड करें और 2-3 टेबलस्पून मिल्क ऐड करें और उसके बाद 15 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करें। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉयलर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब गनाश को 15-20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखें। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिल्क कंपाउंड का यूज़ किया है, आप चाहें तो डार्क कंपाउंड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये चॉकलेट्स मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल होती हैं। आफ्टर 40 मिनट्स मैं केक को चेक करूंगी। केक को चेक करने के लिए मैं एक टूथपिक इंसर्ट करूंगी। अगर टूथपिक क्लीन आती है तो इसका मतलब है कि केक बेक हो गया है, और अगर आपकी टूथपिक क्लीन नहीं आई है तो आप इसे 5 मिनट और बेक होने दें।
केक बेक हो जाने के बाद आप इसे 15 मिनट्स के बाद कढ़ाई से बाहर निकालें और फिर उसे 30 मिनट्स के लिए ठंडा होने के लिए रखें। केक ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है, इसलिए अब इसे मैं डीमोल्ड करूंगी। जब आप चॉकलेट गनाश ऐड करें तो इस बात का ध्यान रखें कि केक ठंडा हो गया हो। अगर केक ठंडा नहीं रहेगा तो चॉकलेट गनाश मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। मैं यहाँ पे चॉकलेट गनाश को पैलेट नाइफ की हेल्प से स्प्रेड कर रही हूँ। अगर आपके पास पैलेट नाइफ नहीं है तो आप नॉर्मल स्पून या फिर बटर नाइफ का भी यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट गनाश को साइड्स में ड्रिप करने के लिए मैं नॉर्मली स्पून का यूज़ कर रही हूँ। केक के डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पे ये कलरफुल स्प्रिंकल्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चेरीज, चॉको चिप्स, ड्राई फ्रूट्स या फिर ओरियो बिस्किट को क्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।